हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2018 के SSC एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं किन किन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं आज। तो सबसे पहला नाम है आनंद कुशवाहा, जो कि गाजीपुर से हैं। ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और इन्होंने एक बुक भी लिखी है। इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे बताया। अगला नाम है हरीश चंद्र सिंह, सौरभ सिंह, अभिषेक कुमार, जुगेंद्र पाल, विकास सिंह, सतीश पांडे। इन लोगों ने आज क्वेश्चंस भेजे हैं, तो इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बार कोड रीडर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बार कोड रीडर क्या होता है कि जो हमारा बार कोड होता है उसको स्कैन करके रीड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से देख लीजिए, POP एक प्रोटोकॉल होता है, PSPF क्या होता है, हमारा जो स्लाइड शो प्रेजेंटेशन होता है उसका एक्सटेंशन होता है, स्कैनर, प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन स्कैनर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ DMSPF। तो यहाँ DMSP और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिए, मे बी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम साइज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ये होता है 400। अगला क्वेश्चन है HTML फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है DVD की स्टोरेज क्षमता CD से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू, क्योंकि DVD हमारा 4.7 GB डेटा स्टोर करता है, जबकि CD हमारा सिर्फ 700 MB डेटा स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है 1 KB, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, बाइट होता है। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2 1000। अगला क्वेश्चन है फोल्डर नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर नंबर्स, मीन्स जो फोल्डर नेम होता है उसमें आप कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स दे सकते हैं उस फोल्डर नेम के लिए। तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम कैरेक्टर होता है वो होता है 256। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को दे दे रहा हूँ, NTFS जो हमारा फाइल सिस्टम होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसमें 256 कैरेक्टर फोल्डर्स या फाइल्स के लिए अलाउड होते हैं, जबकि जो हमारा फाइल सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 11 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। इसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं फाइल नेम के लिए और 3 कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारा एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन, जैसे DOC, EXE, JPG इस तरीके से। तो फैट में सिर्फ 11 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, जबकि NTFS में 256 कैरेक्टर अलाउड होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, F5। अगला क्वेश्चन है मिनिमम जूम इन MS वर्ड 50%। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है फॉल्स, क्योंकि मिनिमम जूम होता है 10% और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है द प्रोटोकॉल हैज़ फीचर दैट अलाउ अपलोडिंग ऑफ ईमेल मैसेजेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा HTTP, क्योंकि IMAP हमारा एक क्लाइंट, मेल क्लाइंट होता है, POP3 ये भी हमारा मेल क्लाइंट होता है, और SNMP एक हमारा होता है सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल। तो ये मेल से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा HTTP। अगला क्वेश्चन है रूट डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रूट इन टू एन, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा OSPF, और OSPF का फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है EGP, तो मैं इसका फुल फॉर्म बता दूँ क्या होता है। ये इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल, और इसका काम क्या होता है, जो अलग अलग गेटवेज होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है फॉर योर ईमेल PGP अलाउ यू टू। तो PGP का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। PGP का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टी गुड प्राइवेसी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंक्रिप्शन, क्योंकि हमारा जो PGP होता है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया, इज नॉट एन इंटरप्रेटर, CGI.JavaC, HTML, HTTP। तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, इस वजह से मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर भी आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है दो व्यक्ति में ईमेल सेम एक जैसे हो सकते हैं, दो व्यक्तियों के ईमेल
एड्रेस एक जैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, सिर्फ डोमेन नेम हमारा सेम होता है। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं। फोल्डर नेम में किस कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस रहे होंगे जिनमें से एक ऑप्शन ना होगा जो करेक्ट होगा। जैसे कि इससे पहले हमने अभी कल के वीडियो में डिस्कस किया था, परसेंटेज साइन दिया था और भी कई सारे साइन थे, तो परसेंट साइन आप किसी भी फोल्डर नेम के लिए यूज कर सकते हैं, और कई सारे साइंस थे जैसे कि कॉलन है, लेस देन साइन है, इन सबको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फोल्डर नेम में। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर सर्च इंजन कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस रहे होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कोई भी एक रहा होगा, जो गूगल जो कि हमारा मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम साइज ऑफ पेज इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर्स, तो जो हमारा पेज साइज होता है पेज इन, और यहाँ पे लिखा है लिमिटेड टू 22 इंचेस बाई 22 इंचेस, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर है। जो मैक्सिमम पेज साइज होता है जितने भी वर्ड प्रोसेसर्स हैं उसमें से 22 इंचेस बाई 22 इंचेस मैक्सिमम पेज साइज होता है, तो क्वेश्चन है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक कैन बी कॉल्ड मेल यूजर एजेंट, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि आउटलुक क्या होता है हमारा मेल क्लाइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम को ऑफ करने व ऑन करने पर कुकीज मेमोरी रहती है और डिलीट हो जाती है, तो जो हमारी कुकीज़ होती हैं, जो वेब पेजेस पे कुछ आपको पॉपअप दिखते होंगे, वो कुछ कुकीज़ हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं, जो हमारा वेब सर्वर होता है वो कुकीज़ सेंड करता है, तो यहाँ पे अगर आप सिस्टम ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तब भी वो कुकीज़ हमारे सिस्टम में स्टोर रहती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई भी पेज ओरिएंटेशन नहीं है। पेज ओरिएंटेशन हमारा होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो मे बी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग रहे होंगे, अगर ये ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने लाइन खींचा है, तो मे बी नॉट, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार है 12 अंक का कार्ड, UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, लॉकर में रखी गई वस्तु केवल लॉकर धारक को मालूम हो, तो यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जी टू सी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मे बी फुल फॉर्म ही पूछा होगा। और अगला क्वेश्चन है स्माइली से रिलेटेड, तो यहाँ पे मे बी कई सारे ऑप्शंस रहे होंगे, उसमें पूछा होगा इसमें से कौन सा सिंबल है जो स्माइली के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा बनाए गए इमेज को बुलेट्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू, और मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई भी इमेज आप अपनी बुलेट्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड ओपन किया हमने और ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, बुलेट्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिफाइन न्यू बुलेट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता है, इंपोर्ट पे जाएंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक अपना लोगो इंपोर्ट करके रखा है, इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये यह आ जाएगा, फिर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे बुलेट्स दिखेंगी, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा जूम आउट है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूँ इसका साइज, ताकि आपको इजिली दिखे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मे बी जो मेरा चैनल का लोगो है वो यहाँ पे बुलेट्स में लग चुका है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त लैंग्वेज है फोर्ट्रान, तो बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक अनुप्रयोग में जो यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें से कई सारे ऑप्शंस रहे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा फोर्ट्रान, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोगेंद्र पाल जी ने भेजे हैं, इनका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम था। DNS डिफाइंड टू टाइप ऑफ सर्वर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा ट्रू, क्योंकि जो हमारा DNS होता है वो दो तरीके के सर्वर्स यूज करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सर्वर का काम ये होता है कि जब प्राइमरी सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है तब सेकेंडरी सर्वर रिस्पॉन्स करता है, या फिर अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डेड हो जाता है या आउट ऑफ नेटवर्क चला जाता है, उस टाइम पे जो हमारा सेकेंडरी सर्वर होता है वो बैकअप का काम करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इज एन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन
फिजिकली टच, तो यहाँ पे मे बी रहा होगा हार्डवेयर एक ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको हम हार्डवेयर वो पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हैज़ अ वेरी लो एरर रेट एज एन कंपेयर टू वैन। तो यहाँ पे ऑप्शन में से रहा होगा एक लैन, और ये कई क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। जैसे कल के एग्जाम में पूछा गया था कि लैन और वैन में से किसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, तो वहाँ पे लैन था, और यहाँ पे जो हमारा एरर रेट है वो लैन में सबसे कम होता है कंपेयर टू वैन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लैन। अगला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ ब्लूटूथ इज पिको नेट। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, दूसरी बार पूछा गया है इसी मंथ के एग्जाम में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस बिट, कितने बिट का एड्रेस होता है, तो 32 बिट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी 32 बिट। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरीज टाइपिकली लोकेटेड। तो यहाँ पे जो हमारी जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसमें कई सारे ऑप्शंस रहे होंगे, ऑप्शन एग्जैक्टली क्या दिया था तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसका इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ कंप्लीट क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा तो हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है एम्प्टी टैग्स हैव ओनली एन वन टैग इन HTML। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि HTML टैग्स में एम्प्टी टैग केवल एक होता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। BR एक टैग होता है जो एम्प्टी टैग होता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू। अगला क्वेश्चन है एन एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया इज नॉट सपोर्टेड बाय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे P/D और D/S यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है टैग्स आर केस सेंसिटिव इन HTML। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फॉल्स, क्योंकि जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिख रहे होंगे क्योंकि हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस में HTML नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दो दो क्वेश्चंस HTML से पूछे गए हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। ISDN इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। तो ये बिल्कुल सही है, जो ISDN होता है वो टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है जो सर्किट स्विचिंग यूज करता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ट्रू। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन भेजे हैं हरीश चंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा किस नोट की छपाई ज़्यादा की जाती है। तो जो हमारे लो करेंसी के नोट्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ प्रिंट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इनमें से जो ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शन डी 100 रुपये का नोट सबसे ज़्यादा छपता है कंपेयर टू इन सब में। अगला क्वेश्चन है खाता खुलवाने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो 10 ईयर, बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क किया इन्होंने। पेस्ट एंड कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की पूछा है, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल बी और कॉपी के लिए कंट्रोल सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे इनकम्प्लीट थे जिनका आंसर मैंने नहीं बताया, वो क्वेश्चंस आपके पास हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भेजिएगा, मैं उनका जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।